ओम शांति, ओम शांति। आप पूछेंगे, हमने देखा जो इधर के कहा इज़राइल के एम्बेसी का बेटा 18 साल का है, तो उन्होंने हमको फोन किया, ईमेल भेजा, हमारा बेटा हरिद्वार जा रहा है योग सीखने के लिए। आप उनको ईमेल भेजो और आप अपने माउंट आबू में भी लाओ, इज़राइल के एम्बेसी। तो उनका बेटा छोटा सा है मुस्लिम, वो भी भारत में आते हैं राजयोग सीखने के लिए। योग क्या है? भारत का सारा विश्व देखता है, भारत विश्व गुरु है, सारे विश्व को सिखाने वाला, दिखाने वाला। लेकिन भारत वाले कहाँ हैं, है ना? तब कहते हैं दीवे के तले अंधकार, रोशनी औरों को मिल रही है, दीपक के तले क्या होता है, अंधकार होता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान कुछ नहीं है, सिंपल एक ही शब्द याद रखो बस, और कुछ नहीं चाहिए, ना भगवान चाहिए, ना डॉक्टर चाहिए, ना और कुछ चाहिए, ना कभी दुख होगा, ना अशांति होंगी, ना बीमारी होंगी। सिर्फ एक शब्द याद रखो, सारे शास्त्रों का निचोड़ है, सारे ज्ञान का निचोड़ है, एक शब्द, क्या? मैंने इस शरीर में जन्म लिया है, अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा, एक एक सेकंड मैं जो भी कुछ करता हूं, हर सेकंड मेरे अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। तब पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देवात्मा कहते हैं। पाप शरीर नहीं कहते हैं, पाप आत्मा का। शरीर के अंदर बीमारी हो तो डॉक्टर दिखाता है आपको, ब्लड प्रेशर कितना है, शुगर कितना है, पुण्य आत्मा दिखा सकते हो। हाँ, अब भी यहां बैठे देख सकते हो आप। जब रात को सोते हो, आंखें बंद करके सोते हो, स्वप्न कहां से आते हैं? बाहर से आए, आंखें बंद, न सुनते हो न देखते हो, स्वप्न कहां से आए? तब कहा आत्मा ने शरीर में जन्म लिया, अंतिम श्वास तक, लेकिन जो भी कुछ करते हो ना भगवान देखता है, ना कोई कैमरा लगा हुआ है, हर सेकंड मेरे अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। फॉर ईच एक्शन देर इज अ रिएक्शन एंड देर इज नो एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ एक्शन। कर्मों की गति आपको बताया एक उदाहरण, चावल का एक ही दाना देखा जाता है, तो हंडे में सारा चावल पक गया, तो सारा ज्ञान का निचोड़ कर्मों की गुह्य गति चाहिए। भगवान भी नहीं चाहिए, भगवान किसी को खाना लाके नहीं देता, कर्म करना सिखाता है। शरीर दिया, ये कर्म क्षेत्र है, हम इस कर्म क्षेत्र में आए हैं, इस कर्म क्षेत्र पर इस शरीर इंद्रिया दिया है, तो इस रथ पर बैठ करके ऐसे कर्म करो। हे गीता के अंदर अर्जुन को, हे क्या अर्जुन, तुम आत्मा हो, इस प्रकृति पर बैठ के, शरीर पर रथ, तो इस पर बैठ के ऐसे कर्म करो जो औरों को दुख नहीं होना चाहिए। तब का जियो और औरों को भी जीने दीजिए, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक शब्द याद रखो, अगर मेरे नजरों में किसी के लिए गलत दृष्टि गई, गलत शब्द निकल गया, ये कहीं जाता नहीं, मेरे अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। छाए कल भगवान भी सामने खड़ा हो, वो भी माफ नहीं कर सकता है। अगर आप जानते हो, महाभारत पढ़ा हो, इंद्र सभा में सबके बीच में पांचों पांडव बैठा है, भीष्म पितामह बैठा है, भाई जी कह रहे थे हमारे पिताजी भी बैठा है और अंकल जी भी बैठे हैं, सारे परिवार के बीच में द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा दुशासन। किसी परिवार वालों ने उठकर द्रौपदी को मदद किया? किसी ने उठकर के दुशासन को रोका? चलो द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान को बुलाया, भगवान भी आया, द्रौपदी को मदद किया, लेकिन दुशासन को नहीं रोकना चाहता, सोच लो आप। अरे तुम चुप रहो, दुशासन को रोका उन्होंने, भगवान साड़ी दे रहा है, दुशासन खींच रहा है। तो ये कर्मों की गति जान लो, इस संसार में अच्छे कर्म करने वालों को भी सम्मान है, जगह है, गलत कर्म करने वालों को भी जगह है, दोनों का, भगवान किसी को रोकता नहीं है। तब कोई राजा कोई चंडाल,
अपने कर्मों से, तो कर्म श्रेष्ठ है। तब कहा कर्मों के ऐसे बीज बोलो, आज भी एक बीज बोलो खेती में, आज भी ये धरती 50-100 दाना देती है। भगवान नहीं देता, विधि बताता है, इसलिए उसको कहा भाग्य विधाता।